हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल WSBCC क्लासेस। तो फ्रेंड्स, यहां पर बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आए हैं। आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। सबसे पहली बात, यहां पर ज्वाइनिंग रिलेटेड अपडेट है ना। फर्स्ट यहाँ पर जो है पॉइंट, यहाँ पर ये समझ सकते हैं। दूसरा, बिहार स्पेशल सर्वे के रिगार्डिंग। और तीसरा जो है यहाँ पर पॉइंट है SSC स्पेशल सर्वे क्लर्क का ऑनलाइन क्लास को लेकर के। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को सबसे पहले शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल पर जाएँ। चैनल पर जाने के बाद चैनल के रेड कलर के बटन को अभी तुरंत ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जैसे ही मैं ऑनलाइन आऊँ, मेरा मतलब जैसे ही कोई नया वीडियो डालूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बात कर लेटेस्ट अपडेट की, तो उससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको BTSC PRD और LRC का ग्रुप लिंक मिल जाएगा। तो भाई मेरे, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए अभी तुरंत ही। वो ग्रुप मैं दिखा देता हूँ, तो ये रहा ग्रुप, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। 1370 लोग हैं, आप लोग भी आइए, यहाँ पर जो है अपना योगदान दीजिए आकर के, और सारे तरह के जो भी डिस्कशन होती है यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। और जो है टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो आप लोग जो है देख लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी अलग अलग तरह के टेलीग्राम चैनल है। और उसके बाद लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पर आज मैं आप लोगों को एक दोस्तों से मिलाया था, है ना, देख सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, साथ ही साथ LNMU से एडमिशन को लेकर के अपडेट मैंने दिया था, तो जरूर से जरूर देखिए इस वीडियो को। और लेटेस्ट अपडेट में टोला सेवक को लेकर के एक अपडेट मैंने यहाँ पर दिया था, तो आप लोग इसे भी जरूर देख लीजिएगा। और माध्यमिक शिक्षक नियोजन का जो है शेड्यूल और प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट का शेड्यूल जारी हो चुका है। तो अभी तक आप लोगों ने माध्यमिक वाला नहीं देखा है, तो भाई मेरे, ये वीडियो बेकार हो जाएगा, फालतू हो जाएगा, तो जरूर से जरूर देख लीजिएगा। बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आप लोग आकर के देख लीजिएगा। ज्यादा देर यहाँ पर समय लगाऊंगा तो आप लोग इरिटेट हो जाएंगे और वीडियो को स्किप करेंगे, छोड़ करके भी भाग जाएंगे। तो डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों में फटाफट शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। तो यहाँ से प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ है, इसे देखते हैं और सारे चीज को क्लियर करते हैं। बिहार विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कानून को अमीन लिपिक के योगदान की प्रक्रिया दिनांक 27 जून से शुरू होगी। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को थंबनेल पर मैंने बताया था, सभी को योगदान के लिए शास्त्री नगर स्थित सर्वे प्रशिक्षण संस्थान में बुलाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग को, है ना, ध्यान में रखते हुए एक दिन में योगदान देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी तय कर दी गई है, यानी कि एक दिन में 300 अभ्यर्थियों को योगदान कराने की योजना है, है ना। इसके लिए निदेशालय में 10 काउंटर बनाया जा रहा है, हर एक काउंटर पर अधिकतम 30 कर्मियों का योगदान स्वीकृत जो है किया जाएगा। तो यहाँ पर 30 कैंडिडेट जो है, 10 काउंटर है, तो 10 काउंटर पर अगर जाएंगे टोटल, तो टोटल 300 कैंडिडेट हो जाएंगे, है ना। 6300 अभ्यर्थियों को 21 कार्य दिवस में योगदान कराया जाना है। इस बात की जानकारी भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक श्री जयसिंह ने दी है, है ना, ये बात दी है, इन्होंने इन्फॉर्म किया है। पहले सारी चीज को देख लेते हैं, उसके बाद अब यहाँ पर बात कर लेते हैं SSC के क्लास को लेकर के। और यहाँ पर जो है अभी चल रहा है बिहार स्पेशल सर्वे अमीन का जो है ट्रेनिंग चल रहा है, उसका जो है कब तक समाप्त हो जाएगा, उसके बारे में क्या है, है ना। और एक बात और, यहाँ पर ज्वाइनिंग से पहले आप लोगों को एक बात और अच्छे से ध्यान में रखना होगा, है ना, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट का वीडियो मैंने सेपरेट बनाया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में, तो मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में भी वीडियो मैंने बनाया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक मैं दे दूंगा, वैसे प्लेलिस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से वीडियो को जरूर देखिएगा। भाई मेरे, जिनको भी कन्फ्यूजन है बिल्कुल देखिएगा, और वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें वीडियो को, है ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि निदेशक ने बताया कि 550 कानूनों का ऑनलाइन प्रशिक्षण भी आज समाप्त हो गया है। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का ऑनलाइन प्रशिक्षण पिछले शुक्रवार को ही समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर कानूनगो का और ASO का प्रशिक्षण समाप्त है। 4950 विशेष सर्वेक्षण अमीन का प्रशिक्षण 26 जून को समाप्त होगा। सबसे आखिर में 550 विशेष सर्वेक्षण लिपिक का ऑनलाइन प्रशिक्षण होगा, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, अच्छी खबर देखने को मिल रहा है कि लिपिक का भी जो है यहाँ पर ऑनलाइन जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा। बट यहाँ पर आप लोग अभी तुरंत ही कमेंट कीजिएगा, सर 550 अमीन के रिजल्ट के बारे में कुछ अपडेट दीजिए, कुछ बताइए। तो भाई मेरे, यहाँ पर वैसा कुछ बात नहीं बताया जा रहा है, और मेरे पास, मैं आप लोग माफी चाहता हूँ कि अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि उसके बारे में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या प्रक्रिया चल रही है, नहीं चल रही है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, है ना।
और इसको लेकर के कोई तरह की डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल पूरा बात क्लियर करते हैं, सबसे पहले देखते हैं यहाँ से आगे बात को। ये प्रशिक्षण अगले सप्ताह से शुरू किया जाएगा, बहुत ही अच्छी बात। अगले सप्ताह से जो है कलर का जो प्रशिक्षण स्टार्ट हो जाएगा। इसके अगले दिन अर्थात 27 जून से सभी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है ना, हो गई होगी। उसके बाद नियुक्ति के पश्चात सभी कर्मियों को फील्ड ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद उनकी परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मियों की ही काम जो है करने की अनुमति दी जाएगी, है ना। बिहार में विशेष सर्वेक्षण आधुनिक तकनीक की सहायता से किया जाना है ना, बिहार में विशेष सर्वेक्षण किया जाना है, जानते ही है। इसके लिए 3 हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों की सेवाएं ली गई है। इन एजेंसियों द्वारा एरियल फोटोग्राफी का काम पूरा कर लिया गया है। विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की कमी की वजह से सर्वेक्षण का काम ठीक ढंग से शुरू नहीं हो पा रहा था। अब करीब 6300 विशेष सर्वेक्षण से पदाधिकारी कानून को अमीन और लिपिक की नियुक्ति के साथ सर्वेक्षण कार्य की रफ्तार पकड़ने की उम्मीद बढ़ गई है। फिर भी यहाँ पर देखिए अभी भी यहाँ पर 550 को यहाँ पर जो है कुछ अपडेट नहीं है। बिहार में कुल 38 जिले में 20 जिलों में प्रथम चरण में सर्वेक्षण का काम किया जाना है। इन जिलों के नाम अररिया, अरवल, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, जमुई, जहानाबाद, नालंदा, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, बांका, बेगूसराय, मधेपुरा, मुंगेर, लखीसराय, शिवहर, शेखपुरा, सहरसा, सीतामढ़ी और सुपौल। प्रथम चरण में 1 साल के अंदर सभी 20 जिलों में सर्वेक्षण का काम पूरा कर लेने की योजना है। तो यहाँ पर ये बात तो आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि अब यहाँ पर एक बात को क्लियर करते और एक बात पहले देख लेते हैं विशेष सर्वेक्षण के बारे में, देन लास्ट में सारी चीज को मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कैसे क्या होने वाला है। तो बने रहे भाई मेरे, है ना, स्किप ना करें, पूरे देखें वीडियो को। तो यहाँ से न्यूज़पेपर के आर्टिकल के माध्यम से देख लेते हैं बिहार स्पेशल सर्वे के बारे में, बीएसएस के बारे में। तो यहाँ से देख सकते हैं खतियान से जुड़ जाएगा जमीन का डिजिटल नक्शा, जो आपका खतियान होगा उससे डिजिटल नक्शा को जो है अटैच कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए, हाईलाइट किया गया है, जुलाई से शुरू होगा जमीन सर्वेक्षण, इस पॉइंट को नोट किया जाए, है ना। उसके बाद यहाँ पर राज्य के 20 जिलों में जमीन सर्वेक्षण की शुरुआत जुलाई माह में शुरू हो रही है। इस बार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की ओर से अभियान के तौर पर जमीन सर्वेक्षण का काम किया जाएगा, है ना। सबसे बड़ी बात है कि सर्वे कार्य को लेकर पहले से चल रही कर्मियों की कमी पूरी कर ली गई है, लगभग 5500, है ना। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी अमीन कानूनगो की बहाली पूरी प्रक्रिया पूरी कर प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके अलावा जमीन विशेष सर्वेक्षण में बहुत अधिक काम डिजिटल तरीके से होंगे। इस बार निदेशालय के अनुसार तैयार किए गए जमीन के खतियान के साथ ही उस जमीन का डिजिटल नक्शा भी जोड़ दिया जाएगा। सर्वेक्षण के लिए अलग से वेबसाइट भी तैयार कर ली गई है। निदेशालय की ओर से नव नियोजित 250 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 4950 अमीन व 550 कानूनों का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब इस पॉइंट को जो मैंने बोला नोट करने के लिए, आखिर इसमें क्या बात है, है ना, इसमें क्या बात है, ऐसा क्या बात इससे निकल करके आ रहा है जिससे जिसको मैंने बोला आपको नोट करने के लिए। भाई मेरे बात यहाँ पर ये निकल के आ रही है, देख रहे हैं कोविड-19, है ना, कोविड-19 की स्थिति दिन प्रतिदिन बड़ी भयानक होती जा रहा है, दिन दुगुना रात चौगुना करके जो है केस बढ़ रहा है। ऐसे स्थिति में सुन रहे हैं ना, क्लियर क्या है इसका मुझे भी पता नहीं है, सुन रहे हैं। बेसिकली आप लोग भी जान रहे होंगे कि 15 जून से जो है फिर से पूर्ण लॉकडाउन के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर 15 जून से, सुनिएगा अच्छे से, अगर 15 जून से लॉकडाउन लगाती है सरकार तो कम से कम तो 15 दिन का लगेगा, है ना। जब 15 दिन का मान लिया जाए, है ना, उससे पहले जैसा कि आप लोग देखते ही आ रहे हैं शुरू से ही, पहले 14 दिन कम से कम इतना दिन का लगा था। तो यहां पर अगर इस तरह लगती है, 2 हफ्ते का भी अगर लग जाती है, तो आपको 27 जून को जो बताई जा रही है ज्वाइनिंग के बारे में, वो कैसे पॉसिबल होगा, है ना, पूर्ण लॉकडाउन में वो कैसे पॉसिबल होगा, ये बात थोड़ी सी सोचने वाली बात है। तो इस वजह से थोड़ा सा दुविधा हो रही है कि आखिर होगा क्या। बट यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जुलाई से शुरू होगा जमीन सर्वेक्षण। तो भाई मेरे, कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग का प्रोसेस 27 से शुरू होगी, तो जुलाई जो है हाफ मंथ तक में क्लियर होगी ही होगी, तभी जाकर के जुलाई हो सकता है लास्ट से जो है सर्वे का काम शुरू हो, समझ सकते हैं बात को। और एक ऐसी खबर आज देखने को मिला है, है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जिनका जॉब होता है ना, संविदा कर्मियों को लेकर के, उसको मैं एक नजर दिखाता हूँ, उसके बाद आगे बात करेंगे।
तो ये आर्टिकल देख सकते हैं आप, है ना, बिहार बोर्ड सभी संविदा कर्मियों की नौकरी 26 जुलाई के बाद खत्म। अब ये कौन सी बड़ी आफत आ गई संविदा कर्मियों की, और आफत है या सच क्या उनके लिए, देखिए यहाँ पर क्या बात है, थोड़ा सा यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। बिहार बोर्ड में संविदा पर नियुक्त सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा 26 जुलाई के बाद समाप्त कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद बोर्ड के सचिव प्रमोद कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सचिव के आदेश में कहा गया है कि समिति में संविदा के आधार पर कार्यरत पदाधिकारी कर्मियों के 11 माह के पहले नियोजन के बाद समय समय पर 11 माह के लिए सेवाएं विस्तार किया जाता रहा है। नियोजन एवं सेवा अवधि के, है ना, विस्तार के संबंध में 22 मई 2018 को जारी शिक्षा विभाग के आदेश में कहा गया कि इन कर्मियों की सेवा अवधि का विस्तार 26 जुलाई 2020 तक ही किया जाना है। यानी परीक्षा समिति में अब तक जितने भी पदाधिकारी और कर्मचारी संविदा पर नियुक्त हुए हैं उनकी सेवा 26 जुलाई तक ही रहेगी। बोर्ड के इस आदेश में सितंबर 2019 से लेकर जून 2020 तक जिन पदाधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा विस्तार का पत्र दिया गया था वे सभी निरस्त हो गए हैं। अब इन सबकी सेवा 26 जुलाई तक ही है। मतलब यहाँ से समझ में आई कुछ बात, सब 26 जुलाई तक इनका डेट पूरा है, पूरा जो है डेट इनका पूरा है, जो उसका जो है क्राइटेरिया था तो उसके कारण यहाँ पर इनको जो है खत्म किया जा रहा है, इनकी नौकरी को जो है खत्म किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की भी जो ज्वाइनिंग हो रही है ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, है ना। अभी यहाँ पर संविदा कर्मी के बारे में सुन रहे थे कि 60 साल का होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, अगर वैसी बात होती तो सबसे पहले देखने को मिलता कि यहाँ पर इनको जो है 60 साल के लिए सेवानिवृत्त किया जाता, है ना, बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। और आप लोगों की ज्वाइनिंग भी हो रही है संविदा के आधार पर, तो देखिए विशेष रूप से आगे होता क्या है, है ना, देखिए आगे आगे क्या होता है। तो कैसा लगा ये जानकारी, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जैसे कोई नया वीडियो डालो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बाय, स्टे होम स्टे सेफ। जान है तो जहान है।